आजकल जो ये महामारी चल रही है कोरोना वायरस, इससे ये जानलेवा बीमारी है। इसके अंदर हम सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और जो गलत अफवाहें चल रही है वो गलत अफवाहों पर इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत अफवाहों का मतलब ये है कि आप जो चाह रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, बीमारी है, ये महामारी है और कई लोग मौतें हो रही है इससे। गवर्नमेंट बहुत सतर्क है और हम लोगों ने उसका ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का। हर चीज़ को हाथ लगाने से पहले, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले हाथ धोना चाहिए और ये एहतियात हमने रखना ज़रूरी है। इससे हम कि हमारी खुद की भी जान बचेंगी और हम अपने घर वालों की भी हिफाजत कर पाएंगे। दूसरा ये कि कल जो है, कल 4-5 तारीख इतवार का दिन सुबह 10 से 5 बजे के टाइम में स्वैब लिया जा रहा है, मतलब ये जांच की जा रही है कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो जिनको भी बुखार आ रहा है, जिनको बुखार है, खांसी है, सांस में तकलीफ है, इन लोगों ने खुद से होकर जाकर अपनी जांच कराना चाहिए। ये जांच प्राइवेट में बहुत महंगी होती है, 5-5 हज़ार रुपये लगते हैं इसके अंदर, लेकिन ये फ्री में हो रही है। गवर्नमेंट मेहनत कर रही है अपने लिए, अपने लिए खुशी की बात है। हमने सब ने जाके जाँच कराना चाहिए। जिनके भी घर में बुखार की निशानियाँ, बुखार है, सांस है, खांसी है, तो इन लोगों ने खुद होकर जाना चाहिए। इन्होंने गवर्नमेंट ने इसके सेंटर तय किए हैं गोनी ग्राउंड के अंदर, जो स्कूल है प्राइमरी उर्दू स्कूल नगर पालिका की, उसके अंदर सुबह 10 बजे से 5 बजे का टाइम दिया हुआ है और दूसरा सेंटर मराठी स्कूल क्रमांक 1 में बेस के पास दिया हुआ है। तो ये सब मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, ये सब जाए और दूसरों को भी साथ में ले आए, और ख़ास तौर से जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है और कमज़ोरी है और 60 साल की उम्र है, इन लोगों ने तो जाकर खुद होकर जाकर जांच कराना चाहिए ताकि उसके खुद की भी हिफाजत हो सके, उनकी उनके परिवार की हिफाजत हो सके। और ये सब तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठा रही उसकी अपन सब मदद करें, सब मिलकर कोरोना बीमारी को भगाए, उससे लड़े। ऐसी मेरी आप तमाम लोगों से, पूरे कौम से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है।